जो एक एनसी हमारे सिक्किम के सीएम साहब भी। नमस्कार सर जी, आपसे मिलकर एकदम ही खुशी हुई। केला क्रैश हुई से गिरिजा से सोचा नहीं था कि लावा का रास्ता इतना मक्खन मिलेगा, काफी ज्यादा खूबसूरत है। वैसे आप बहुत क्यूट है। थैंक यू सर। सजन रे पास तो आना, आजा पतली कमरे मोरे, हाय हाय ओ मेरे तू आस करना, ओ आज की मैं रैक 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 तू मेरा रोज कमल तू मेरा रोज कमल तू क्लोज। ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हो आप लोग कंचनजंगा का नजारा जो कैसा है। और आप लोगों को बता दूं कि भैया इतना एक्साइटेड है कि कल रात को ही रेडी होके सो के बैठा है। भैया टाइम हो गया भाई, उठ जाओ। हाउ द जोस हाय सर। सो गाइस, नोकल बी नो ड्रामा ओनली रॉक लावा। तो ये वीडियो आज का काफी ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज़ हम लोग आज निकल रहे हैं यहां से नागालैंड के लिए। गाइस, रात को ना मेरे को ऐठन हुआ, वो होता ना सोते सोते लाइक आपको कोई पकड़ ले भाई, ऐसा कर मैं बात भी नहीं कर सकता। दो बार हुआ भाई, बहुत प्रॉब्लम हुआ। भाई इधर साइड में सोए थे हाँ, और हमको बहुत डर लगा, और रात को हम पूरा लाइट ऑन करके सोया, इसीलिए थोड़ा सा अभी नींद मेरा पूरा हुआ नहीं है, आँख पूरा लाल हो गया मेरा। ओके गाइस, हमें लेने के लिए वहाँ पे भैया लोग आ चुके हैं। ये हमारा गाइस ब्रेकफास्ट है, हम गाड़ी के अंदर ही करेंगे, अभी टाइम नहीं है। ओके गाइस, अभी हम लोग पहुंचे हैं सिक्किम के सीएम के घर पे, बिकॉज यहाँ पे फ्लैग अप हो रखा है। और गाड़ी देख सकते हैं काफी सारे, और ये गाड़ी भी हमारे साथ जाएंगे, और सारे के सारे राइडर्स यहाँ पे है। एजुकेशन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारे राइडर्स का ना थोड़ा सा मीटिंग चल रहा है, तो हमें लग चुका है भूख। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू रॉक लामा क्या है इसके अंदर, देखते हैं। जूस है, और आई थिंक यहाँ पे सैंडविच है। ले खाना, अब पकड़ी आना वापे। ओके गाइस, अभी हम हैं सीएम साहब के साथ, जो एक एनसी हमारे सिक्किम के सीएम साहब भी। नमस्कार सर जी, आपसे मिलकर एकदम ही खुशी हुई। सो हम लोग आज राइड कर रहे हैं सिक्किम से टूवर्स नागालैंड, तो इसके बारे में कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे राइडर और हमारे सिक्किम को। हमारे जितने भी राइडर्स हैं जो भी अभी यहाँ से सिक्किम से रवाना हो रहा है नागालैंड के लिए, मैं सभी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, और सिक्किम का मैसेज देने के लिए जा रहा है ताकि हमारा टूरिज्म को बढ़ावा मिले, ताकि जो फ्लॉट के बाद जो 4 अक्टूबर के बाद जो एक जितना भी टूरिस्ट के मन में क्या है, मतलब दुविधा है कि सिक्किम में रास्ता है या नहीं है, सिक्किम की कंडीशन क्या है, अभी सिक्किम पूरा रेडी है टूरिज्म के लिए। इसी के लिए अब जो राइडर्स लोग अपना तरफ से जो कोशिश करके अभी यहाँ से जा रहे हैं, उन लोगों को मैं पूरा पूरा शुभकामना देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर जी, वैसे आप बहुत क्यूट है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेट्स गो बॉयज, सीएम साहब से मिलकर दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। बेसिकली फर्स्ट टाइम मैं किसी सीएम से मिल रहा हूँ, नहीं तो ऐसे कहाँ सीएम मिलते हैं। ही इज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। तो सारे राइडर्स गाइस रेडी हो गए हैं, फ्लैग ऑफ हो रहा है यहाँ पे, फ्लैग ऑफ हो चुका है। सजन रे पास तो आना। थोड़ा सा सुसु ब्रेक के लिए रुके थे गाइस, बट ये ब्यूटी चेक करे गाइस, दिस इज अ ब्यूटी फ्रॉम दिस प्लेस। ओह उधर कंचनजंगा, ना कभी मुझे छोड़ के जाना। ओह केला क्रैश हुई से गिरिजा से। अरे यार क्रैश हो गया, रास्ता इतना खराब था ना कि मैं क्या बताऊँ। एक मिनट ना, ऐसे लो दादा, बहुत बड़ा क्रैश हो गया ये रास्ता में ना, यहाँ पे ना स्लीप हो गया। ओके ठीक है सर, नहीं तो भाई ओके ओके। आई थिंक ये रास्ता जो है लावा का है गाइस, सोचा नहीं था कि लावा का रास्ता इतना मक्खन मिलेगा। कुछ देर पहले ही खाना खाया था, अभी फिर यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं गाइस। एंड आमी के खाने ना नींद लागे से, बाइक चलाते आदत है इससे ना, तो पीछे बैठते से ना नींद लागे से। आई डोंट नो व्हाट टू डू गाइस, किसी का एक बाइक मिल जाए तो मोटो ब्लॉगिंग करती से। एंड बार बार मेरा पेट खराब हो इससे गाइस, जहाँ पे रोकते से ना वहीं पे आमी पॉटी करती से। चिकन थाली खाई से, आमी खाई से ना पेट भर आसे। एंजॉय 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 योर फूड। ए केला, आमी तो केला खाई से गाइस, पेट खराब हुई गासे की कोर से। चलो ये लावा भी है ना, मोनेस्ट्री भी है गाइस, बट हम लोग नहीं जा पाएंगे अभी, हम लोग वेट कर रहे हैं अपने दोस्त लोग का। कभी नेक्स्ट टाइम टाइम मिले तो हम लोग आएंगे यहाँ लावा के यहाँ पे घूमने के लिए। केला तो भालो आसे। ओ मेरे तू आसिक रहना, आसिक रहना। ओ लगता है सभी का बैंड बज गया। हाँ गुरु जी,
सबका बैंड बज गया। क्या कर रहे हैं ये? एकदम योगा कर रहा है। योगा? ये कौन सा वाला योगा है? नींद नहीं उड़ रहा है कोई काम कर रहा है। अभी हम लोग अम्बे बागन पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके हैं एंड हमारे सारे सब्सक्राइबर मिले हैं। गाइस काफी अच्छा लगता है ऐसे रास्तों पे सडनली लाइक सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। तो एक डायलॉग हो जाए क्या? कांची तिम्रो रैक 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 सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना ओ तू मेरा रो कोई मेरा एक सिग्नेचर मूव्स दिखा दो डांस लू तो आम बोलू आ या पत्ती लिख कर मोरे मोरे हाय हाय। अनएक्सपेक्टेड मीटअप हो गया यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर के साथ। गाइस हम अपने बाइक में आएंगे कभी घूमने। ओके ओके थैंक यू ओम माने पे मैं ओम। गाइस अभी हम लोग शॉर्टकट रास्ता चाय बागन होते हुए जा रहे हैं एंड ये सारे के सारे जितने भी ग्रुप बाइकर्स आप लोग रोडों पर दिखते हैं ना ये लोग ना ऐसे वैसे राइडर्स नहीं है। ये सारे पता है क्या ब्रदरहुड्स है ब्रदरहुड्स। जैसे हम लोग रोडों पर चल रहे हैं ना बाप रे बाप मत पूछो सारे के सारे पब्लिक का मुंडी हमारी तरफ है। गाइस हम लोग हंसमारा पहुंच गए हैं। अभी हम अपने रूम पे है बट रूम का हालत कुछ इस तरीके का है। ये मेरा और भाई का रूम है बट ये रूम देखो गाइस यहाँ का ये चादर देख रहा चादर। ये बेड देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी जस्ट यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 करके कोई गया है और स्मेल भी वैसे ही कर रहा है। समझने वाले समझ गए। अरे दादा आप किस चीज का रूम का इतना चार्ज ले रहे हैं? आपका रूम देख रहे हैं आपका नहीं, 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 हम तो गया वहीं पे ना बदली कर दीजिए। कोई फाइट खेल के गया वहाँ पे पता है क्यों? बहुत गंदा है। इतना दूर से टायर्ड होके आए वो भी रूम कैसा मिला ऐसा वाला। अभी उसको बोला हूँ फिर वो आएगा रूम दूसरा दिखाने के लिए देखते हैं क्या होता है। और अपना रॉकी तो गए सर्विसिंग में दिया है। अपने पास बाइक नहीं है मेरे को मोटर ब्लॉगिंग करना था सुबह से लेकर अभी तक मैं सेट था बट हमें यहाँ पे बाइक मिल चुका है। गाइस ये देखो गाइस स्टार्ट ऐसे करना पड़ता है खींच के लाइफ में कभी व्हीली नहीं किया था इसमें कर लिया गाइस बहुत मजा आया। हाँ ये रूम बढ़िया है। ये देखो कितना साफ सुथरा कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे अभी तक किसी ने भी वर्ल्ड वॉर 4 स्टार्ट नहीं किया तो आज हम दोनों करेंगे क्या कहते हो भाई? गाइस आसिमार के सामने ही आए हैं तो घर तो मेरे सामने ही है तो माँ पापा से ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। ओके गाइस मैं अपने दुकान पहुंच चुका हूं। मिलिए अपने माता एंड पिताजी से। हेलो कैसे आप? बस ठीक है। पापा जी अभी जस्ट भूटान जाके आए गाइस। मैं तो मोमो खाने आया था मोमो ही खत्म हो गया माता जी। और हमने कौन सा बाइक लेके आया गाइस? रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 गाइस 650 कंटेनर जीटी में तो ऐसा साउंड मारता है। सोचा अगर मैंने G900 ले लिया या फिर ZX10R ले लिया तब तो पूरा जयगांव थर 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 भूचा ला जाएगा। वो दिन आएगा बहुत जल्द गाइस। स्कीप सपोर्टिंग हम उसी काम पर लगे हुए हैं। ओके गाइस यहाँ पे सारे के सारे राइडर्स ना रेडी हो गए हैं। अभी बस निकलने ही वाले हैं। कल तो मैं बाइक के पीछे बैठा था गाइस आज तो मैं बाइक के पीछे बैठने का लायक भी नहीं हूँ गाइस। आज मैं गाड़ी पे बैठूंगा क्यों मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। कैमरामैन फोकस करो। आप ही यहाँ पे देख सकते गाइस बहुत ही बड़ा चोट लगा है मुझे। ये क्या हो गया भाई? अभी तो मेरा पैर जो है ना बैंड भी नहीं होता अच्छे से गाइस। बहुत दुख है जिंदगी में। क्यों वो तूने मेरी ढोल बजा दे ये ऐसे कैसे नाच नचा दे ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन कैसे। एटा पूरी पूरी कैसे पूरा तेला से हाँ झड़ से नहीं तो पेट खराब हुई से। अभी चाय ब्रेक हो रहा है गाइस। ओए केला क्यों इससे चाय खाए से नींद लागू से सो गए से बता नहीं सकता कितना दर्द हो रहा है यार। मैंने फाड़ दिया मेरा पैंट को देखो गाइस अभी थोड़ा हवा मिलेगा ना। लेट्स गो भैया का म्यूजिक सिस्टम एकदम बढ़िया है गाइस। मेरे को समझ में नहीं आ रहा बट भाई आ रहा था एक थॉकलाइट टाइप का।
तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। गाइस मेरे को थोड़ा सा आंख लग गया था एंड अभी जस्ट मैं उठा एंड अभी नीचे देखो मैं कदम रख चुका हूँ आसाम। यस गाइस वेलकम टू आसाम। यहाँ पे बैठते बैठते हमारे आसाम के कुछ सब्सक्राइबर मिल गए गाइस। क्या मना से भला से है ये कौन सा जगह है? ये कुछ गाँव। हम लोग गुवाहाटी कब पहुँचेंगे? 3-4 अभी होटल हिमालया पे रुके हैं लंच करने के लिए एंड मैंने बोला था ना कि काफी सारे राइडर्स हमें रास्तों पे मिलेंगे, हमें भूटान के राइडर्स मिल गए हैं। आई थिंक या ये जो फ्लैग दिख रहे हैं गाइस ये हमारे भूटान के लगा दो। ये देखो गाइस हमने अभी मलम लगा दिया है, आई होप कि शाम तक सूख जाए। पूरा बहुत बहुत पॉलिश है तेरी याद सताए रात रात। अभी एक जगह पे रुके सारे राइडर्स ने वहाँ पर रेस्ट कर रहे गाइस। हमारा भाई भी पूरा सो गया है देखो। अरे ये कौन है चाचा? ये तो हम बचपन में बजाते थे हम भी ऐसा बेलुम बेलुम के साथ। गाइस रोड रेंज हो रहा है, रोड रेंज देखो। साइड कर दिए बाइक भाई, रोड के बीच में अपने बाप का रोड समझ के वो लोग रोड रेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, फाइट लफड़ा हो गया। वेलकम टू गुवाहाटी गाइस। गुवाहाटी कितना सुनहरा है यार। हे गाइस वेलकम टू गुवाहाटी। अभी रात के 9 बज रहे हैं एंड हमारे राइडर्स धीरे धीरे करके आ रहे हैं और अभी हमने रास्तों से ना गाइस ये बिरयानी मंगा के लाया है। बिरयानी का प्राइस कितना है पता है? 180। इतना महंगा एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। आई थिंक यहाँ पे सामान का महंगाई ज्यादा होगा इसलिए प्राइस थोड़ा सा है। टेस्ट तो टेस्टी है। अभी जो हमने बिरयानी खाया था वो तो जस्ट ब्रेकफास्ट था गाइस। अभी हम बाहर आए हैं अपना डिनर करने के लिए एंड अभी आप लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिस चीज से ना आज दिन भर उस दिन से जब से मेरा रॉकी मेरे साथ नहीं है राइड में एकदम ही सैड सैड फील हो रहा था बट ये चीज देख के ना दिल खुश सब खुश हो गया। लाइक आई कैन टेल यू माई हैप्पीनेस गाइस। मैं आपको पहले दिखा के बात करता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम जो है रॉक लामा, इसमें ये मेरा मेंशन देखे। हाँ ओके वेलकम टू आसाम रॉक लामा और यहाँ से शुरू होता है कुछ इस तरीके का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे AK-47 फूट गया है। यहाँ पे देखो ये देख रहे हो RDX. ये देख रहे हो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ये देखो इतना ज्यादा स्टोरी मेंशन जो मेरे को वेलकम किया है ना आसाम से, रियली थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। एंड मुझे पता है ये खाली गुवाहाटी आसाम से नहीं है, हमारे नॉर्थ ईस्ट से हमें वेलकम किया गया है। रियली आप सभी को दिल से शुक्रिया एंड जॉय आया हूँ। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, लाइक से सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। गाइस अभी टाइम देख सकते हैं रात के 1 बजने वाले हैं। हम यहाँ पे वीडियो एडिट कर रहे थे बट हमारे यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स मिलने आए हैं। कैमन है सकेला बाला से? अरे थैंक यू सो मच यार, कैसे आए हम, कैसे पता चला आपके स्टेटस देख के स्टोरी? थैंक यू सो मच यार, हम तो काफी ज्यादा टायर्ड हो रखे थे, भैया ने बोला कोई आया है मिलने के लिए। रियली भाई थैंक यू सो मच, बट जो मेंशन आ रहे हैं ना मतलब हमारे ये नॉर्थ ईस्ट से जो वेलकम किया जा रहा है रियली मतलब दिल को छूके इधर उधर चला गया। थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए लाए हो ना? दे दो। अरे थैंक यू सो मच, कुछ नहीं मिला यही मिला। अरे तुम लोग आगे मिलने के लिए वही काफी है। भाई लोग ना डीजे बजा के आए हैं गाइस रात को। कौन सा वाला डीजे ऐसा बजता है? सब करना ये दूसरा वाला डीजे तो नहीं बजा के आया ना। अच्छा ठीक है।